मैं आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल अच्छा चाहे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दिब्रू वीडियो यू कांट बीट पाकिस्तान मीडिया। तो दिब्रू वीडियो पर देखते हैं वीडियो कैसे नहीं अभी बीट कर सकते पाकिस्तान मीडिया को। तो बाद में करते हैं रिएक्शन। के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में बोलेंगे मेरा लोड़ा। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया की। जी हाँ, वही पाकिस्तानी मीडिया जो बोलती कम और भौंकती ज्यादा है। वही पाकिस्तानी मीडिया जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा जाहिल, अनपढ़, बददिमाग और मुंह फट मीडिया कहा जाता है। हाँ हाँ, वही पाकिस्तानी मीडिया जहाँ सिर्फ दो तरह की खबरें दिखाई जाती हैं। पहली, भारत पाकिस्तान से आगे क्यों है और दूसरी, पाकिस्तान भारत से पीछे क्यों है। एक शब्द में कहें तो पाकिस्तानी मीडिया की दुकान ही इंडिया की खबरों से चलती है। कहने को तो पाकिस्तान ने बॉम्ब से लेकर परमाणु बॉम्ब तक बना लिए, लेकिन बराबर में फटता ये पाकिस्तानी बॉम्ब ही पाकिस्तान की असली कहानी बयां करता है। और फिर भी ये लोग भारत को धमकी देते हैं परमाणु बॉम्ब से उड़ाने की। बस एक मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फजा में उड़ रहा होगा और दुनिया कह रही होगी मोदी अच्छा था, बस एक गलत फैसला उसको मरवा गया। जिस इंडिया ने तो अपना परमाणु बॉम्ब दिवाली पर फोड़ने को रखा हो। पाकिस्तानी मीडिया की हालत ये हो गई है कि जब भी ये कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं वहाँ के लोग ही इन्हें पेल देते हैं। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। कभी लोग मीडिया वालों को पेलते हैं तो कभी मीडिया वाले लोगों को। कैमरामैन शबाद रशीद के साथ नजीब भट्टी, एयरवे न्यूज लाहौर। लेकिन ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। पाकिस्तानी एंकर्स में आपस में इतना प्यार है कि ये खुद ही एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई, तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। ये ग्रैब हो रहा है सारा, अजीब इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का रिपोर्टिंग करने का स्टाइल इतना गजब और यूनिक है कि किसी भी देश का रिपोर्टर इनके आसपास तक नहीं आता। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इनकी गांड ही क्यों न फट जाए। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स कभी गधे के ऊपर बैठकर रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर। तो कभी बंदर को खुद के ऊपर बैठाकर, अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजे कमाना मुश्किल हो जाता है। कभी मुर्गे और मुर्गियों के साथ रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी मछलियों के साथ। और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जब अपनी कवरेज में किसी जानवर को लेना भूल जाते हैं तो जानवर खुद ही इनकी खबर बनने के लिए इनके पास आ जाते हैं। पाकिस्तान के रिपोर्टर अपनी जान पर खेलकर ग्रांड रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को बोलती कम और टपकती ज्यादा है। लेकिन अगर एक बार पाकिस्तानी लोग कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दें फिर तो अल्लाह ही मालिक है। घंटे दो दो घंटे लाइट बंद है, क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या भड़वे रंडी के बच्चे? गालियां तो मैं बकूंगी। पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब समा टीवी के इस लाइव शो को ही देख लो, किसी नामी शख्सियत के नाम पर किसी आम आदमी को ही कॉल लगा दी। औकात खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है मारूफ तजियाकार तलत हुसैन से। जी तलत साहब, सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि अगर भारत ने दबाव बढ़ाया तो फौज कबायली इलाकों से निकालकर सरहद पर भेज दी जाएगी। आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये भी पहले से मेरी बात नहीं सुन लीजिए कि आपने गलत आदमी को कांटेक्ट कर लिया है। मैं वो तजिया निगार तलत हुसैन नहीं हूँ। और इस पाकिस्तानी चैनल के टीवी रिपोर्टर ने तो सारी हदें पार ही कर दी। बच्चे को जबरदस्ती बारिश से भरे पानी में ले आया और उस बच्चे से सवाल कर रहा है कि आप पानी में क्यों हैं? तो तुम बाल्टी के पानी में नहीं, क्या करो इधर, आप हमें जबरदस्ती यहाँ लाए। पाकिस्तानी मीडिया तो जाहिल है ही, वहाँ के लोग भी कम ठरकी नहीं है। अब इस लाइव शो को ही देख लो। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और
और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आर आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके मम्मी मुझे चूसने हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये ठरके इंसान को मुम्मे कहाँ नजर आ रहे हैं। मुम्मे तो है ही नहीं, इसके टॉप हटा के क्या इसकी पसलियाँ गिनेगा। कलबरी मची, मैं तो कहती हूँ जिद्द से सब दोबारा अब इस मुसलसल। खामोशी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं रोस्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया के अगले एपिसोड में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना तुम्हारी अगली ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चलवा दें। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। तो ये थे पाकिस्तानी फनी न्यूज चैनल, ये था पाकिस्तानी न्यूज चैनल का चेहरा। एक बच्चे को तो पानी में खुद लेकर गया है सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए कि यार देखो बच्चे पानी में खेल रहे हैं। तो बच्चे ने हाथ रख के बता दिया कि तुम मुझे खुद लेकर इधर आए जानबूझ कर, मैं नहीं आया पानी में यार क्या है। लेकिन अच्छी तरीके से रोड पर जो एंगल सीन है वो सब फेरा, वो जो फिजा खान चपड़ 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 शुरू हो गई थी ना, तो इमरान खान के साथ उसने जो क्लिप यूज किया मैं कहता हूँ वो सबसे ज्यादा मजेदार था। खामोशी तो खान साहब को गुस्सा आ जाता है, हालांकि हाथ हो जाए डिटिंग ही, लेकिन फिर भी फिजा खान से बोलती ऐसे ही है, चपड़ चपड़ जब शुरू हो जाती ना बोलती जाती, फिर बोलती जाती नॉन स्टॉप बोलती जाती। माइक की जो कह रहे थे जो बिजली आती थी बटवे ये अपनी जो है कमर में लेके जाएंगे रंडी के बच्चे उसको। और उसके अलावा जो वो उसका नाम हफीज है, अमीद हफीज का क्या नाम उसका, गद्दे पर बैठा हुआ था देखो ना, मतलब रिपोर्टिंग के लिए किसकी किसी हाथ लेना पड़ता, किसी हद तक भी ये जा सकता, कभी गधे पर बैठ गया कभी बंदर को अपने साथ बिठा लिया। भाई जो है ना बड़ा अच्छी तरह रोस्ट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी एरिया हो, पाकिस्तानी लड़कियां हो, पाकिस्तानी लड़के हो, या कोई और पाकिस्तानी चीज हो, तो बड़े ही अच्छे तरीके से रोस्ट करते हैं। तो इन्होंने काफी रोस्ट किया, और जिसमें उन्होंने जो वो एक जो पहली खबरें पढ़ रही थी थोड़ी सी है बात ना करने वाली, लेकिन वो उसने लंदन बोला था, लेकिन उसने गलत वर्ड, अब हर एक बात में एब्रिविएशन, लंदन की भी एब्रिविएशन करना चाहिए, लेकिन फिर उसने रिपीट भी कर दिया, एक बार तो बोला चले नहीं जो उसने बोल दिया जो मथीरा ने बोला और मथीरा का था सर, जो उसने बंदे ने थोड़ा बोला है थोड़ा सा और बोलना चाहिए था, क्योंकि वो कह रहे थे मेन पॉइंट जो है ना चूसना चाहती थी, वो कहना है सुनना चाहती थी, दुबई ने बोल दिया तो फिर वो उसके बाद उसने पूरा पहुंचा नहीं था अभी तक वो भी और वो भी सवाल मिल गया, सवाल तारीफ करवाना चाहती थी, तारीफ करने के साथ जितनी वो करता गया वो तो आगे एंड में पहुंच गया। पाकिस्तान जो है उसके सिर्फ दो ही सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे क्यों है और पाकिस्तान से इंडिया आगे क्यों है, बस ये दो ही क्वेश्चन है। तो एक भाई को तुमने जो एंकर साहब आए दो वो आपस में ताल मिला दी, उसने भाई ने कहा कि मैं भाई वो नहीं जिनको आप कॉल लगाई है मैं और हूँ, तो ये भी देख लें कि मिस्टेक ही ऐसी है। जो वाकई मीडिया ना वाकई ये हमें हकीकत नहीं दिखाता। अब हमारे इस वक्त जो न्यूज चल रही है ना सिर्फ पॉलिटिशियन की है कि फलां ने ये कर दिया, उसने ये स्पीच दी, इमरान खान के साथ ये हो गया, कोई डेवलपमेंट की इच्छा हो रही है या नहीं, यानी कि जो भी मुल्क में जो करंट न्यूज होती है ना वो बहुत कम दिखाई जाती है। असल में ना पाकिस्तानी मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी करने कर गुजरता है, और दिन को रात और रात को दिन बना सकता है, ये हमने देखा है इमरान खान के केस में, कोई भी न्यूज बिल्कुल उलट बिल्कुल बरअक्स चला जाती है, न्यूज जो हमारी न्यूज होती है उसको बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं, मतलब उसमें कोई भी जरा भी बराबर ना ऐसी चीज नहीं होती जो कि उन्हें ना के पेश कर देनी होती है। तो लेकिन इस तरह के झूठ और प्रॉपर हमारा मीडिया भी बकाऊ मीडिया है, बकाऊ मीडिया जिसे हम बोलते हैं लिफाफा, पपड़ है, पपड़ है नहीं फालतू है, उसके लिए लफ्ज खास इस्तेमाल होता है लिफाफी साफी, लफाफी साफी है हमारे, और हमारा मीडिया भी लिफाफा मीडिया है। तो ये थे चंद उनसे क्लिप्स थे,
तो शानदार वीडियो मिलते नहीं वीडियो में नाड़ा चला तब तक दीजिए चार सर अल्लाह हाफिज़।